दोस्तों आपके मन में काफी कंफ्यूजन होता होगा DDR2, DDR3, DDR4 या अलग अलग वैरायटी की रैम जो आपके मोबाइल फोन में, आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में लगी है उनको लेके। तो आप वीडियो देखते रहिए और मैं आपका सारा कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरु जी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने रैम को लेके एक वीडियो पहले भी बनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रैम क्या होती है, उसकी आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल फोन में क्या जरूरत होती है और कितनी रैम होना आपके मोबाइल फोन के लिए ठीक है। तो उसके लिए आप इधर जो आपको वीडियो नजर आ रहा है वो जाके देख सकते हैं। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं DDR2, DDR3 या DDR4 जो अलग अलग जनरेशन हैं उनके बारे में। तो दोस्तों देखिए, अगर मैं आपको टेक्निकल डिटेल में जाके समझाऊंगा इन सभी के बारे में, तो फिर तो वीडियो काफी कॉम्प्लिकेट बन जाएगा और आपको समझाना काफी मुश्किल होगा कि DDR3 और DDR4 में क्या चेंजेस हो गए हैं या किस तरीके से कौन सी बेहतर है। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सबसे सिंपल चीज से कि ज्यादा अच्छी कौन सी है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा हमारे मन में कि DDR4 जो है वो DDR3 से अच्छी है, DDR3 जो है वो DDR2 से अच्छी है और DDR2 जो है वो DDR1 से अच्छी है। तो ये बात तो क्लियर हो जाती है। और आजकल आप जितने भी लैपटॉप्स देखते हैं, जितने भी आप नॉर्मल आज की डेट में अगर आप कोई भी कंप्यूटर भी लेते हैं, तो वो सब के सब आपको DDR3 मेमोरी कम से कम मिलेंगे ही मिलेंगे। DDR2 वाले जो है वो आज की डेट में नहीं मिलते हैं। पिछले काफ़ी सालों से DDR3 ही हम कॉमनली यूज़ कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप DDR4 भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप एक हाईटेक, एक एडवांस्ड मशीन बनाना चाहते हैं, लेकिन नॉर्मली जो कॉमन है वो है DDR3। इसी तरीके से स्मार्टफोन्स में जो आपको नॉर्मल स्मार्टफोन्स मिलते हैं उन सभी में आपको DDR3 मेमोरी देखने को मिलती है। मोबाइल फोन्स में हम बोलते हैं LPDDR3 यानी कि लो पावर्ड, क्योंकि एक मोबाइल फोन है, एक मोबाइल डिवाइस है, एक बैटरी पे काम करता है, तो इसलिए आपको चाहिए कम से कम पावर कंजम्पशन हो इसीलिए। लेकिन जो हाई एंड स्मार्टफोन्स हैं, जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स जिनको हम बोलते हैं, जो काफ़ी अच्छे होते हैं हर एक कंपनी के, उन सभी में आपको DDR4 मेमोरी भी देखने को मिलती है। तो दोस्तों अब देखिए इनमें डिफरेंस क्या होता है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था मेरी i3, i5, i7 वाली वीडियो में कि जो अलग अलग जनरेशन्स होती हैं कि हर कुछ टाइम में कुछ नया डेवलपमेंट होता है, जिसकी मदद से हमारा जो फिजिकल साइज होता है ट्रांजिस्टर्स का, जिनकी मदद से ये सब चीज़ें बनती हैं, जिनकी मदद से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चिप बनती है, वो धीरे धीरे छोटा होता जाता है। जब वो छोटा होता है तो वो फास्ट बन जाता है और फास्ट होने के साथ साथ उसका पावर कंजप्शन भी कम हो जाता है। तो रैम में भी ये सेम कंसेप्ट काम आता है। जो LPDDR2 है या DDR2 जो मेमोरी है, उसके बाद जब DDR3 बनी तो DDR3 में स्पीड भी तेज है और पावर कंजप्शन भी कम है। उसके बाद जब अभी DDR4 बनी है तो DDR4 में स्पीड और तेज है और पावर कंजप्शन भी कम है। यानी कि दोनों तरीके से आपको फायदा देगा कि एक तो स्पीड भी तेज है और पावर कंजप्शन भी कम है। मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं एक डेस्कटॉप का या एक लैपटॉप कंप्यूटर का, तो DDR3 मेमोरी की जो अपर लिमिट है वहां से DDR4 की लोअर लिमिट स्टार्ट होती है। यानी कि DDR3 का जो बेस्ट पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं, DDR4 का अगर आप नॉर्मल वाला भी करेंगे तो भी वो उससे काफ़ी अच्छा होगा। और DDR4 मेमोरी की टेक्निक में हम आज की डेट में तो नहीं कर सकते ऐसा, लेकिन आने वाले टाइम में 256 GB या 512 GB तक की सिंगल स्टिक बना सकते हैं रैम की। यानी कि एक सिंगल स्टिक में इतनी हाई कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों मोबाइल फोन में भी सेम ही बात है कि अगर आप आज की डेट में फोन लेते हैं, अगर वो एक मिड रेंज फोन है या अगर वो एक नॉर्मल फोन है, तो आपको DDR3 मेमोरी देखने को मिलेगी। और अगर आप एक हाई एंड फोन लेना चाहते हैं तो आपको DDR4 मिलेगी। अब दोस्तों ये तो बात थी सिर्फ DDR3 और DDR4 की, लेकिन विद इन DDR3 या DDR4 भी आपको अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। कुछ में होती है डुअल चैनल मेमोरी, कुछ में होती है सिंगल चैनल, कुछ में होती है क्लॉक स्पीड मेमोरी के मान लीजिए 833 MHz, कुछ में होती है 1333 MHz। तो ये एक तरीके से प्रोसेसर की जो क्लॉक स्पीड होती है उसी तरीके से काम करती है। यानी कि जितनी हाई स्पीड की आपकी रैम होगी उतनी ही वो अच्छी होगी। लेकिन अपने पास में ऑप्शन नहीं होता है कि आप मोबाइल फोन में रैम को चेंज कर पाएं, लेकिन आप कंप्यूटर में ऐसा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर आपके पास में DDR3 मेमोरी है जिसकी जो स्पीड है वो है 833 MHz, अब अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप DDR3 में ही अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि जो 4 है उसका स्लॉट अलग है। 4 को आप नॉर्मल वाला जो मदरबोर्ड है 3 वाला उसमें आप इंसर्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप DDR3 में ही एक हाई कैपेसिटी की DDR3 ले लेते हैं, मान लीजिए 1600 MHz या 2133 MHz, तो वो रहेगा तो DDR3, लेकिन आपकी स्पीड जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। उसके अलावा दोस्तों रैम में आपने एक टर्म सुनी होगी ड्यूअल चैनल। तो ड्यूअल चैनल का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल कि अगर आपके कंप्यूटर में 8 GB की रैम लगी है, लेकिन अगर मैं आपको दो एग्जांपल दूं कि आपके कंप्यूटर में 4 GB की दो स्टिक्स हैं रैम की या फिर 8 GB की सिंगल स्टिक है, तो कौन सी बेहतर है? मैं कहूँगा कि 4 GB की दो स्टिक्स जो है वो ज़्यादा बेहतर है। वो ऐसा क्यों? क्योंकि रैम का जो काम है वो है डेटा का फास्ट ट्रांसफ़र। फास्ट यानी कि फास्टेस्ट ट्रांसफ़र।
जो सीपीयू तक इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है या सीपीयू से इन्फॉर्मेशन बाहर आ रही है, वो बिल्कुल जो मूवमेंट होना चाहिए वो एकदम अल्ट्रा फास्ट होना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपके पास में एक पानी का टैंक है, उसके नीचे एक टूटी है, तो अगर एक टूटी है अगर आप उसको खोलेंगे तो पानी एक टूटी से जितना निकल सकता उतना निकलेगा। अगर आपके उस टैंक में दो टूटी हैं तो, या मान लीजिए अगर आपके टैंक की कैपेसिटी 1000 लीटर है और नीचे उसमें एक टूटी है तो खाली करने में लगते हैं 10 मिनट। लेकिन अगर आपके पास में दो टैंक्स हैं 500-500 लीटर के, तो कैपेसिटी तो आपकी 1000 लीटर की बन गई, लेकिन वो टैंक जो है वो आप 5 मिनट में खाली कर सकते हैं क्योंकि दो टूटियां लगी होंगी, एक इस टैंक में और एक इस टैंक में। तो उसी तरीके से ड्यूअल चैनल मेमोरी जो है उसका भी यही कंसेप्ट है कि आपको डेटा जो ट्रांसफर रेट्स हैं वो काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं। नॉर्मल तो आपको बेनिफिट मिलता ही है DDR3 या DDR4 होने का, उसके अलावा जो नॉर्मल स्पीड्स आपको मिलनी चाहिए उनसे भी आप अच्छी अचीव कर सकते हैं अगर आप एक ड्यूअल चैनल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो काफ़ी सिंपल था और आपको समझ में आया होगा कि DDR3 DDR4 ये सब चीज़ें क्या हैं। एट द एंड एक बार वापस से, अगर आप आज की डेट में कोई भी कंप्यूटर लैपटॉप लेते हैं तो आपको DDR3 मिलेगा, अगर आप चाहें तो आप DDR4 भी ले सकते हैं, या अगर आप DDR4 में एक असेंबल करना चाहते हैं सिस्टम तो आप वो भी कर सकते हैं। मोबाइल्स में आपको नॉर्मल मोड्स में सब जगह पे DDR3 मिलेगा, और अगर आप एक हाई एंड फोन लेते हैं तो आपको DDR4 मेमोरी देखने को मिलेगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपका कोई भी सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ आप इधर इस लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना इसी तरह की टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।